भागलपुर में प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। लगातार गश्ती की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर भागलपुर से आ रही है, जहां अपराधी को लेकर जा रही बरारी थाना पुलिस की वाहन बीच सड़क पर कचहरी चौक पर बंद हो गई। पुलिस गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया, फिर थाना का चालक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गया और डब्बे में पेट्रोल लेकर फिर गाड़ी में तेल डाली और आगे लेकर गए। वहीं पूरे राज्य में पेट्रोल पंप पर डब्बे में पेट्रोल नहीं देने का आदेश है, लेकिन बेचारा चालक क्या करता। इस वाकये से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कैसे दुर्गा पूजा में पुलिस अपनी व्यवस्था सुधार सकेगी। अगर मनचले या अपराधी छेड़खानी करते पकड़ाते हैं तो कैसे पुलिस उसे पकड़ सकेगी। तेल खत्म हो गया क्या? हमको मालूम नहीं है क्या हुआ है। आखिर कैदी को लेकर जाना पड़ रहा है? कैदी लेकर तो जा रहे हैं, रास्ता लगा देख ही रहे हैं। कौन थाना? बरारी थाना। धक्का मार रहे थे गाड़ी में? धक्का क्यों देने का कारण क्या हुआ? पीछे में खड़ा हो गया तो साइड करा रहे हैं। खराब हो गया है। अब क्या हो गया, खराब हो गया, क्या हो गया, ड्राइवर बताएंगे। कितना देर से धक्का लगा रहे थे? 2 मिनट तो हुआ। प्रायः यह देखने को मिलता है कि सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए चोर ही कैद होते हैं, जिसके खोजबीन के लिए पुलिस को काफी मत्थापच्ची भी करनी पड़ती है, जिसके बाद सारा पुलिसिया तंत्र को अलर्ट करना पड़ता है, तब जाकर चोरी के मामले का उद्भेदन होता है। लेकिन जरा सोचिए, सीसीटीवी में यदि खुद पुलिस और टिमटिमाती लाइट वाली पुलिस जीप ही चोरी करते कैद हो जाए तो फिर इसे क्या कहेंगे। भागलपुर की ढोलबज्जा से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब नाइट पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रोककर सुबोध कुमार चौधरी के घर के सामने रखे टेबल फैन को उठा लिया और दबे पांव वहां से निकल पड़े। ढोलबज्जा थाना पुलिस रात्रि गश्ती के लिए निकली थी। पुलिस दल बाजार में गश्ती कर ही रही थी कि उसकी नजर सुबोध कुमार चौधरी के घर के बाहर रखे पंखे पर जा पड़ी। देर रात करीब 1 बजे पुलिस टीम ने गाड़ी रोककर इस पंखे को दबे पांव उठा लिया और गाड़ी में रखकर चलते बने। सुबह सवेरे जब सुबोध चौधरी उठे तो उनका टेबल फैन गायब था, जिसके बाद उन्होंने आसपास पूछताछ की लेकिन उन्हें पंखा नहीं मिला। वहीं किसी ने उनके घर के पास लगे सीसीटीवी चेक करने की सलाह दी। जब सुबोध ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो वो हैरान हो गए। इसके बाद खुद सुबोध थाने पहुंचे और पंखे को लेकर पुलिस से सवाल जवाब किया, लेकिन पुलिस बालों ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि कोई पंखा लेकर आए नहीं है। घर लौटकर सुबोध ने सीसीटीवी से मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की और फिर थाने पहुंच गए। वीडियो देख पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ ली गई थी। मामला तूल पकड़ने लगा तो ढोलबज्जा पुलिस ने सुबोध को बुलाकर पंखा वापस कर दिया। मामले में नौगछिया एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज में दिन दहाड़े एक चोर आटा चक्की मिल से चक्की की चोरी कर फरार हो रहा था। इसी दौरान आटा चक्की मिल के मालिक द्वारा शोर मचाने पर कासिमपुर गांव के लोगों ने खदेड़ कर चोर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की जानकारी आटा चक्की मिल के मालिक शुभम कुमार ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सुल्तानगंज पुलिस ने चोर को अपने हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर आटा चक्की मिल के मालिक शुभम कुमार ने बताया कि हमारे आटा चक्की मिल से 5,000 रुपये की चक्की चुराकर भाग रहा था, तभी किसी तरह कासिमपुर गांव के बगीचे में खदेड़ कर पकड़ा गया। चोरी करने वाले चोर की पहचान गोविंदा यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। लोहा का चक्की था हमारे पास, भाग रहा था, पकड़े आगे जा करके चक्की आटा चक्की अभी तुरंत चुराया 10 मिनट पहले। कितने का है कीमत? होगा 5,000 लमसम। 5,000 का? 5,000। कहाँ का रहने वाला? ये हमको नहीं बताया अभी। नहीं बताया। पकड़े कहाँ से? आगे कासिमपुर मोड़ से भाग रहा था। रपेट के पकड़े गए तो चोरी करके भाग रहे थे आप? जी सर। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा गोविंदा। गोविंदा, घर कहाँ है? घाट। कहाँ पे? घाट रोड। पिता का नाम? श्री गणेश। गणेश, मतलब चोरी करने का धंधा है आपको? ना चोरी नहीं। तब कैसे चोरी कर रहा था? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है?
भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का युवक योगेश कुमार मरकाम 28 राज्य की साइकिल यात्रा तय करते हुए भागलपुर पहुंचा। 6 महीने पूर्व यात्रा पर निकले योगेश अब तक 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। भारत के सभी 29 राज्यों के भ्रमण करने का लक्ष्य लेकर निकला युवक भागलपुर पहुंचा, जहां से वो पूर्णिया किशनगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। उसके बाद असम समेत कई राज्य पहुंचेंगे। योगेश ने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की यात्रा किए हैं। 10 दिन पहले बिहार पहुंचे हैं और जिस तरह बिहार के बारे में दूसरे राज्यों में यह मानसिकता है कि बिहार के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहां आने के बाद उसे पता चला कि बिहार के लोग काफी अच्छे होते हैं और यहां लोगों के द्वारा सम्मान दिया जाता है। योगेश ने बताया कि भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाने और पेड़ लगाने को लेकर जागरूक करना। परेशानी बहुत होती है लेकिन मन में जुनून है। साथ ही छत्तीसगढ़ निवासी योगेश कुमार मरकाम ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे परिवार और समाज का नाम रोशन हो सके। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम योगेश कुमार मरकाम है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ग्राम लिखमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ भारत भ्रमण कब से निकला। मैं 26 मार्च 2022 को अपने ग्राम लिखमा से अपने छत्तीसगढ़ से निकला था और मेरा भारत भ्रमण करने का उद्देश्य है ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को प्रमोट करना। ये मेरा मेन उद्देश्य है, इसके लिए मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। अभी तक मैं 18 राज्य घुमा हूँ, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका बिहार। पर डे 100 से प्लस हो जाता है, 120-130, क्योंकि रोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रोड पहाड़ जैसा होगा तो फिर अपन 70-80 किलोमीटर ही कर पाते हैं, अगर प्लेन रोड होता है तो 140। मैं पूरे अपने देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने एरिया को आप स्वच्छ रखो और सफाई रखो और उसके साथ साथ अपने आसपास में पेड़ पौधा जरूर लगाओ और अपने जीवन में साइकिल का यूज जरूर कर। बिहार भागलपुर के बाद आगे का रूट है मेरा वेस्ट बंगाल जाऊंगा, उसके बाद मैं आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इस साइड में नॉर्थ ईस्ट। परेशानी की बात करें, परेशानी तो पर साइकिल है तो साइकिल में परेशानी होती ही है क्योंकि पंचर हो जाता है, कभी कभी चैन टूट जाता है, मतलब साइकिल का परेशानी है। और मतलब हो लोगों का हेल्प भी बहुत मिलता है, लोग खाना खिला देते हैं, कहीं पानी पिला देते हैं, तो लोगों का प्यार भी मिलता है, हेल्प भी मिलता है। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लीयरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर में दुर्गा पूजा का माहौल बन चुका है। लोग काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्यौहार मना रहे हैं। पूजा को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद शहर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं शहर के विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस कप्तान बाबूराम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस की भी तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। भीड़ को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि जाम की समस्या न बन सके। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में ट्रैफिक का प्लान तैयार किया गया है, इसको समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी कराया गया है कि किस किस रूट में ट्रैफिक बंद रहेगा और कहां से अल्टरनेट तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कल से सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पुलिस भी रहेगी और जो पूजा समिति के लोग हैं उनकी तरफ से वॉलेंटियर्स लोग भी रहेंगे। जिला में पैरामिलिट्री की फोर्स आ चुकी है, बाहर से बिहार सशस्त्र पुलिस के लोग भी हम लोगों को उपलब्ध हुए हैं। एक जॉइंट आदेश निकल गया है, सभी को कल से ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। जितने भी पूजा स्थल हैं पूरे शहर को चार सेक्टर में बांटा गया है, चार सेक्टर में बांटकर पैरामिलिट्री और दंगा निरोधी बल की प्रतिनियुक्ति QRT के रूप में की गई है। इसके अलावा CIET की टीमें भी अपने अपने एरिया में गश्त करेंगी और जुलूस के दिन भी सभी जुलूस को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ निकाला जाएगा। कैमरामैन, दंडाधिकारी, सभी व्यवस्था रहेगी। सभी थानावार जो असामाजिक तत्व हैं उनकी सूची बनाई गई है, उनके निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को थाना पे हाजिरी लगवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना को निर्देशित किया गया है कि लगातार सूचना संकलन करें। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी कहा कि पूजा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। नौगछा में रूट चार्ट भी बना दिया गया है, वहीं जल्द ही भागलपुर में भी रूट चार्ट तैयार कर लिया जाएगा। सफाई एवं बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। जान रहे हैं कोई समस्या नहीं है, अतिरिक्त पुलिस बल मिल गया है। हम लोगों का जो डेपुटेशन ऑर्डर है वो नौगछा का निकल गया है, भागलपुर का भी आज निकल जाएगा और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साफ़ सफाई के लिए विशेष प्रबंध नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। सभी स्थानीय पदाधिकारी घूम करके देख रहे हैं और आज हम लोगों के द्वारा, मेरे और SSP साहब और पूरी टीम के द्वारा, पूरे शहर और आसपास के इलाकों का भ्रमण करके देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने निर्देश दिया था उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आज हम लोगों का सेकेंड हाफ में इवनिंग में प्रोग्राम है और कंट्रोल रूम हम लोगों का 24 घंटे फंक्शनल है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले में दुर्घटना में पिछले कुछ दिनों में हुई 19 मौतों में से 11 मृतक के परिवारों को जांच के उपरांत 5 लाख रुपए मुआवजा राशि का चेक उनके परिजनों को सौंपा। वहीं दुर्घटना में मृत्यु हुए अन्य 8 परिवार को भी कागजात के जाँच के बाद मुआवजा देने की बात कही गई। अन्य 8 लोगों के दुर्घटना में हुई मौत के कागजातों की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिनका कागज सही पाया जाएगा ऐसे लोगों की कागजात जांच कर उन्हें भी जल्द मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखें जिससे घटनाएं ना घटित हों। जाती है जो कि बहुत दुखद होता है परिवार के लिए और परिवार के कई बार ऐसा होता है कि जो कमाऊ सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, परिवार पर आर्थिक जो है वो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसी कड़ी में 5 लाख रुपया जो है वो दिए जाने का प्रावधान परिवहन विभाग की तरफ से बनाया गया है। पहले आपको पता है कि 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिया जाता था, तो अब परिवहन विभाग 5 लाख रुपये का भुगतान आश्रितों को करता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 11 जो ऐसे आश्रित हैं जिनके घर में किसी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है उनको 5-5 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और ये ट्रेजरी में बिल आज ही चला जाएगा और अगले एक सप्ताह में मैक्सिमम बता रहा हूँ कि छुट्टियाँ हैं, अगले 2-3 दिनों में संभवतः राशि उनके खाते में चली जाएगी। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और जो भी कोई आर्थिक परेशानी उनके परिवार में रहेगी उसको इससे समाधान करने में वो सफल होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और ख़ास करके जो वाहन चालक हैं, जो वाहन चला रहे हैं वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जो स्पीड लिमिट है उसका ख्याल रखें,
भीड़ भाड़ के इलाके से चल रहे हैं तो वहाँ जो सावधानियाँ बरतनी है, और ख़ास करके ओवर स्पीडिंग और हेलमेट नहीं पहनने के कारण, ये दो जो कारण हैं जिसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें जान चली जाती है। तो उन सब बिंदुओं पर भी सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जब आप गाड़ी चलाते हैं या अगर आप नहीं चला रहे हैं, आप उस वाहन में बैठे हुए हैं और जो चालक है वो इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको रोकना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई इससे वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है और दूसरे व्यक्ति की जान भी उसमें खतरे में जो है वो आ रही है। भागलपुर में दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, CTSP स्वर्ण प्रभात, संबंधित पदाधिकारियों के साथ मुसहरी घाट पर बने कृत्रिम तालाब का जायजा लिया। शहर के सभी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन इसी घाट पर होना है। घाट पर किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान DM ने बताया कि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है, साथ ही अगले साल परमानेंट तालाब बनाया जाएगा जिससे एक ही साथ सभी मूर्तियों को विसर्जित किया जा सके। पिछली बार एक साथ मूर्ति विसर्जित नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बार विशेष तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि विसर्जन जुलूस में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर ससमय विसर्जन कराने का दिशा निर्देश दिया गया है। हाँ, इसमें हम लोगों ने पूजा समिति के सभी सदस्यों के साथ, महासमिति के भी सारे मेंबर्स थे और सबका रुख बहुत पॉजिटिव था। सब लोगों ने एश्योर किया है कि जो टाइमलाइन है बिल्कुल उसका अनुपालन किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से ही सारी प्रतिमाओं का बिल्कुल हर्षोल्लास के वातावरण में विसर्जन किया जाएगा। तो ऐसा उन लोगों ने एश्योर किया है, क्योंकि इससे आम लोगों को कई समस्या होती है। कई बार जो है आपको ट्रैफिक का इशू रहता है, दूसरा बिजली कटी रहती है जिसके कारण भी आम लोगों को समस्या होती है, एम्बुलेंस, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो विसर्जन जुलूस निकलता है उससे उनको भी कई बार जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये बताया है और उनसे अनुरोध किया है कि जो टाइमलाइन जो लाइसेंस पर मेंशन है उस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सब लोगों ने एश्योर किया है इस बार उम्मीद है कि बिल्कुल टाइम से विसर्जन होगा। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न मेला समिति और शांति समिति के लोगों ने भाग लिया। बैठक में नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज, SDM उत्तम कुमार और DSP मुख्यालय दिलीप कुमार भी मौजूद थे। बैठक में विभिन्न गांव में होने वाले दुर्गा पूजन समारोह को लेकर वहां के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान मेला और विसर्जन के दौरान होने वाली समस्याओं को विस्तार पूर्वक मेला समिति के लोगों ने बताया। नौगछिया के SDO उत्तम कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दशहरा पर्व मनाया जाएगा। विभिन्न पूजा समितियों को मेला परिसर और मंदिर के गर्भगृह में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। जिन पूजा समितियों के पास कैमरा उपलब्ध नहीं है वहां पर प्रशासनिक स्तर से भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। SDO ने कहा कि अक्सर भीड़ भाड़ में छिनतई की घटना होती है जिसको लेकर सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती मेले परिसर में पर्याप्त रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर यातायात की सुदृढ़ व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर भी प्रशासन की नजर है जिसके लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया है और पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि नौगछिया के लोग हर एक पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण और मिल्लत के माहौल में मनाते हैं और निस्संदेह इस बार भी मनाएंगे।